स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रमीत और आज हम चला रहे हैं हिंडे की ऑल न्यू 7 सीटर अल्काज़ार SUV। अब ये गाड़ी आपको सामने से काफी फेमिलियर लग रही होगी कि ये जो है बेस्ड है हिंडे की मिड साइज SUV क्रेटा के ऊपर। तो ये उसका इलांगेटेड वर्जन है, लेकिन इसके सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि ये यूनिट सेम है, लेकिन बहुत सारी चीजें चेंज करी गई हैं, जैसे आगे की तरफ, अंदर की तरफ और गाड़ी के चारों तरफ। तो वीडियो को देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम आपको इस SUV के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड के बारे में। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसका जो हेडलाइट यूनिट है वो काफ़ी फेमिलियर लगता है, वो इसलिए क्योंकि क्रेटा में भी आप ऐसा सिमिलर सा क्लस्टर देखते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है LED DRL जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और यहाँ पे आपको हाई और लो भी मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रोजेक्टर नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्टर है, लेकिन LED क्लस्टर होने के नाते थ्रो और विजिबिलिटी जो है, लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है और उससे विजिबिलिटी और भी ज़्यादा अच्छी है। रात को पूरा रोड जो है ये अच्छे से लिट अप कर देता है। नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ मिलता है इंडिकेटर, और उसके ठीक नीचे आपको मिलेगा फॉग लाइट और SUV का कॉर्नरिंग लाइट। अब बात करें इस SUV के ग्रिल के बारे में, तो आप देख सकते हो ग्रिल काफ़ी वाइड और ब्रॉड है, तो ये जो है एक SUV को सामने से काफ़ी स्पोर्टी सा लुक देता है। एंड अगर आप इस लोगो के ठीक नीचे यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा एक फ्रंट कैमरा। तो ये जो अल्काज़ार है ये फीचर करती है 360° कैमरा का ऑप्शन, एंड उससे आपको फायदा ये होता है कि अगर आप आगे की तरफ आप टाइट स्पेस में पार्क कर रहे हैं तो ये कैमरा आपको उस लिए हेल्प करेगा। एंड एक कैमरे की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, एक्चुअली सिर्फ इसकी नहीं, चारों तरफ जितने भी कैमरे मौजूद है सबकी जो है विजिबिलिटी और कैमरे में क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में। और यहाँ पे आप सबसे पहले चीज़ नोटिस करोगे, इसको मिलता है 18 इंच के ये 5 स्पोक के अलॉय व्हील्स। अब आपको इसमें एक 17 इंच का भी ऑप्शन मिलता है अगर आपको राइड क्वालिटी थोड़ी सी हल्की चाहिए। यहाँ पे आपको एक ऑटो बैजिंग भी मिलेगा क्योंकि ऑटोमेटिक वेरियंट है। बॉडी कलर ORVM है जिसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक कैमरा मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो बॉडी लाइन काफ़ी सटल है। आपको एक फ्लोर बोर्ड भी मिलेगा जिससे गाड़ी में अंदर बाहर जाने का ऑप्शन आपको काफ़ी आसान हो जाता है, काफ़ी ईज अप कर देता है आपको अंदर और बाहर जाने के लिए। यहाँ पे डोर हैंडल पे जो है वो सेम जो आगे ग्रिल पे जो स्मोक्ड क्रोम का फिनिश था वही सेम स्मोक्ड क्रोम यहाँ भी मिलता है। इनफैक्ट सारे डोर हैंडल्स में मिलता है। फंक्शनल रूफ रेल मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ, और यहाँ पे एक शार्क फिन एंटेना। तो ओवरऑल आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अल्काज़ार का साइड प्रोफाइल कैसा लगा। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में। और यहाँ पे आपको ये LED टेल लैंप यूनिट मिलेगा। उसके साथ ही साथ क्योंकि ये सिग्नेचर वेरिएंट है, आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर वेरिएंट का बैजिंग, ये पावर होता है 2 लीटर पेट्रोल इंजन से, तो 2 लीटर का बैजिंग, और यहाँ पे आपको सेंटर में बूट को जोड़ते हुए अल्काज़ार की बैजिंग मिलेगी। आपको यहाँ पे रेयर व्यू वाइपर, वॉशर, डिफ्यूजर, और यहाँ पे एक स्टॉप लाइट भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रेयर व्यू कैमरा के साथ आपको एक्टिव गाइडलाइंस भी मिलती है जो आपको टाइट स्पेसेस में पार्क करने में काफी आसानी से हेल्प करेगी। अब बूट की बात करें तो बूट ऐसे ही खुलता है आपका, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो जगह है ये आपको बूट स्पेस से थर्ड रो उठाने के बाद आपको 180 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। जस्ट इन केस आपको अगर और बूट स्पेस चाहिए, इसको फोल्ड डाउन कर सकते हैं दोनों साइड को, और थर्ड रो को फोल्ड करते ही आपके पास काफ़ी सारा जगह हो जाएगा। अगर आपको वापस से फोल्ड अप करना है तो इसको पकड़ के ऐसे खींच दीजिए और सीट वापस से सीधी हो जाएगी। तो बूट लिड की बात करें तो बंद करने में भी बूट लिड को ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो रियर एंड से अगर देखा जाए तो अल्काज़ार काफ़ी अच्छी लग रही है। तो वो आ चुका है अल्काज़ार के फ्रंट सीट पे, और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जैसे आप कैबिन एंटर करोगे आप देखोगे कि काफ़ी सारा जो है जितना भी फिनिशिंग है वो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, क्योंकि डैशबोर्ड और डोर जो है वो डुअल टोन में फिनिश्ड है, ब्लैक और ब्राउन में। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो आप ब्राउन पार्ट देख रहे हैं गाड़ी का, ये ऐसे दूर से देखने में तो लगता है कि ये सॉफ्ट टच मटीरियल होगा, बहुत अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है, बट आपको सॉफ्ट टच मटीरियल सिर्फ ये जो आप जहाँ पे डोर पे आप अपना एल्बो रेस्ट करते हैं सिर्फ उतना सा एरिया आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसको ब्लैक एंड ब्राउन के साथ ये ब्रश्ड एल्युमिनियम के फिनिश और ब्लैक आउट हर जगह, क्रोम कहीं नहीं है अंदर, जो कि अच्छी बात है। सो गाड़ी को काफी स्पोर्टी सा लुक देता है। एक और चीज गाड़ी को स्पोर्टी सा लुक देता है वो है ये स्टेयरिंग व्हील लेदर में रैप्ड, और ये फ्लैट बॉटम है। स्टेयरिंग मॉडल कंट्रोल्स काफी अच्छे से प्लेस्ड है, पैडल शिफ्टर्स भी काफी अच्छे से और काफी लंबे पैडल शिफ्टर्स हैं, तो वो दूर से भी दिखते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए फिट एंड फिनिश क्वालिटी गाड़ी का काफी अच्छा है। अब नए फीचर्स की बात करें तो इसको मिलता है 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक 10.2 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एक साइड स्पीड मिलेगा, एक साइड टैकोमीटर मिलेगा, उसके बीच में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। पूरा
पूरा डिजिटल है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो 360 डिग्री कैमरा का फीचर दिया है, उसमें जो आपके दोनों ORVM है उसके नीचे कैमरा मौजूद है। इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी दी गई है, तो उससे होता ही है जैसे ही आप राइट या लेफ्ट का इंडिकेटर हिट करते हो, तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल राइट का इंडिकेटर हिट किया, तो जैसे आप राइट का इंडिकेटर हिट करोगे तो ये वाला कैमरा जो है वो चालू हो जाएगा। आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो टैकोमीटर है, जहां RPM मीटर है, वहां पे वो गोले में आपको ये एरिया का व्यू आएगा। आप बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहां पे अगेन 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टच काफी अच्छा और सेंसिटिव है, और लैग बिल्कुल भी नहीं है इसमें। उसके ठीक नीचे आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा जो कि ऑटोमेटिक है, और उसके नीचे आपको एक वायरलेस चार्जर और कुछ USB सॉकेट्स और फोन चार्ज करने के लिए कुछ सारे सॉकेट्स मिलेंगे। यहाँ पे जो गियर का लीवर है, इसका जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो काफी अच्छा है। और सीट्स की बात करें तो सिर्फ ड्राइवर वाली सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, जो कि 8 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं इस सीट को। पैसेंजर सीट जो है वो मैनुअली एडजस्टेबल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मैनुअल हाइट एडजस्टर भी मिलता है, तो वो एक अच्छी चीज है। एंड दोनों सीट्स में आपको कूल्ड सीट्स मिलेंगे, हीटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं है, और कूल्ड सीट्स में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे कोल्ड सेटिंग्स के लिए। तो ओवरऑल दोस्तों फिट एंड फिनिश क्वालिटी काफी अच्छा है फ्रंट एंड का। अब भाई चलिए पीछे बैठता हूँ और मैं आपको उसके बारे में और बताऊंगा। तो अब हम आ चुके हैं अल्कांतारा के रेयर सीट पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली सीट मेरे हाइट के साथ से एडजस्टेबल है। मैं 6 फिट प्लस बंदा हूँ और पैर लड़ तो नहीं रहा उतना ज़्यादा, लेकिन आप अगर आराम से पीछे नीचे घुस के बैठेंगे, ऐसे करके थोड़ा स्लाइड होकर बैठेंगे, तो आपका घुटना ज़रूर लड़ेगा। तो ये जो ट्रे है आप इसको खोल सकते हो, तो ट्रे के नीचे थोड़ी सी जगह आपको मिल जाएगी, यहाँ पे अपना पैर आराम से रख सकते हो फैला के। तो ये जो है काफ़ी कंफर्टेबल एक सेटिंग है। अब इस ट्रे पे आप ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 3.5 किलो का वेट उठा सकता है। यहाँ पे आपको मिलता है 2 AC वेंट नीचे की तरफ, उसके नीचे आपको मिलता है थोड़ी सी जगह जहाँ पे आप फोन रख सकते हो जब आप फोन चार्ज कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये कैप्टन सीट है तो बीच में कुछ नहीं है, ये आर्मरेस्ट दिया गया। और इस आर्मरेस्ट के साथ इसको 2 कप होल्डर्स और सेकंड रो के लिए वायरलेस चार्जर भी अवेलेबल है। इसमें यहाँ पे आपको एक इनबिल्ट एयर प्योरीफायर मिलेगा जो कि डिजिटल है, और आपको वहाँ पे रीडिंग बताएगा एयर के प्योरिटी के बारे में। पैनोरामिक सनरूफ की बात करें तो सनरूफ यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, आगे से लेकर यहाँ तक खुलता है, तो व्यू जो है वो काफी बड़ा है। और इतने बड़े होने के नाते जो कैबिन है वो काफी ज्यादा एयरी और स्पेशियस लगने लगी है। अब ओवरऑल अगर सीट की बात करें तो सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। अब ये सीट को आप ऐसे करके रिक्लाइन भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसको पूरा रिक्लाइन कर सकते हैं। ये टंबल भी हो सकती है, ये टिल्ट एंड टंबल हो जाती है, मतलब अगर आप बैठना चाहे पीछे थर्ड रो में तो आप इसको बस गिराइए और ये अपने आप ऊपर उठ जाएगी, ताकि एक्सेस मिल जाए आपको पीछे रो के लिए। सीट आगे पीछे भी आप स्लाइड कर सकते हो। ये जो पीछे जो ये कुशन दिया हुआ है, ये मेमोरी फोम, ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप अगर बंद कर दे और AC चल रहा हो और काफ़ी मतलब क्लाउडी सा वेदर है, तो आपको नींद ज़रूर आ जाएगी। अब हम आ चुके हैं ड्राइविंग सीट पे अल्कांतारा के, और सबसे पहले मैं आपको एक इंजन ब्रीफ दूंगा इस गाड़ी के बारे में। तो ये गाड़ी जो अभी हम लोग जो वेरिएंट चला रहे हैं अभी, ये पावर हो रही है 2 लीटर पेट्रोल इंजन से, जो कि 157 BHP ऑफ पावर और 191 NM ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वो डीजल इंजन 113 BHP और 250 NM ऑफ टॉर्क निकालता है, एंड उसका भी सेम सेटअप है, वो उसके साथ भी आपको ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। अब इस इंजन ऑप्शन में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मिलेंगे। अभी जो हम चला रहे हैं वो है ऑटोमेटिक। माइलेज फिगर्स की बात करें तो जो डीजल में कंपनी क्लेम करती है, मैनुअल में है कुछ 18, 18.5 या 19 का, और ऑटोमेटिक में क्लेम करती है कुछ 18 के आसपास का। तो अब बात करते हैं गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, बिकॉज ये एक 7-सीटर SUV बड़ी गाड़ी है। कंपनी ये चाह रही थी कि लोगों को कम्फर्ट मिले, तो उस चक्कर में इन्होंने सस्पेंशन को काफ़ी सॉफ्ट किया है। उसके चक्कर में इसमें आपको बॉडी रोल भी मिलेगा, इतना ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप देखने जाएंगे तो हाँ गाड़ी में बॉडी रोल है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है, एंड आपको जो है पॉटहोल्स और बम्प से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है ही है। एंड सस्पेंशन के चलते काफ़ी ज़्यादा रोड के जो नॉइजेज हैं और जितने भी पॉटहोल्स हैं वो सब अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। NVH लेवल भी गाड़ी का अच्छा है, ज़्यादा बाहर की आवाज़ भी नहीं आती अंदर, और क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है तो गाड़ी काफ़ी शांत है। अब मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जो
इन्होंने शायद सुधारा है इस गाड़ी में वो है इसका स्टेयरिंग व्हील, क्योंकि Hyundai की गाड़ियाँ जो है उनका स्टेयरिंग व्हील काफ़ी लाइट होने के लिए जाना जाता था। मतलब आप अगर पुरानी वाली i20 या फिर कोई भी पुरानी वाली इनकी 2-3 साल पुरानी वाली गाड़ी उठा के देख लें तो उसमें जो स्टेयरिंग व्हील लगा होता था वो इतना ज़्यादा हल्का था कि आप लिटरली एक उंगली से आप यू टर्न ले सकते हैं। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, अब स्टेयरिंग व्हील हल्का सा स्टिफ हो गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आप अगर एकदम से स्टेयरिंग व्हील को लेफ्ट या राइट आराम से करेंगे तो अच्छे से जाएगा, लेकिन अगर आप एकदम से अगर आप लेफ्ट या राइट करते हो तो वो एक स्लाइट एक स्टिफनेस सा आता है और उसके बाद वो लूज़ हो जाती है। तो मतलब हो सकता है एक सेफ्टी फीचर है कि आप गलती से अगर आप एकदम से आपने लेफ्ट ले लिया तो वो गाड़ी पूरी तरीके से लेफ्ट या राइट खींचे ना, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है मेरे को तो लगा। और स्टेयरिंग व्हील का स्टेयरिंग रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आप अगर आपको अगर लेन शिफ्ट करना है आपको बहुत ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है स्टेयरिंग व्हील, आप हल्का सा लेफ्ट राइट करिए गाड़ी आराम से लेन शिफ्ट कर लेगी। ओवरऑल दोस्तों फिट एंड फिनिश क्वालिटी, पावर डिलीवरी गाड़ी की, सस्पेंशन, स्टेयरिंग व्हील एंड जो भी फीचर्स दिए गए हैं इस गाड़ी में वो एकदम टॉप नॉच है। बल्कि अल्काज़ार का जो बेस वेरिएंट है उसमें दूसरे कॉम्पिटिटर्स के बेस वेरिएंट से ज्यादा फीचर्स मौजूद है। तो हाँ जी, हमारी तरफ से बहुत बड़ा थम्स अप है एंड वी रियली लाइक द अल्काज़ार। ये एक बहुत ही ज्यादा टफ रोल प्ले करेगी अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट मार्केट में, बिकॉज गाड़ी कम्प्लीटली फीचर लोडेड है एंड जैसे मैं आपको बोल ही रहा था कि इसके जो बेस वेरिएंट अदर कॉम्पिटिटर्स के बेस वेरिएंट है और इसके बेस वेरिएंट में उनसे बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल है। दोस्तों ये थी Hyundai की ऑल न्यू अल्काज़ार SUV और ये SUV की प्राइस स्टार्ट होती है 16.5 लाख रुपए एक शोरूम से। आई होप मैंने ये कार आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी हो। आपको अगर इस गाड़ी के बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और हम लोग आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं प्रमित साइन आउट करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी सेफ। कैमरा के अलावा आपके पास यहाँ पे एक्टिव गाइडलाइंस है जो कि आपको पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पे आपको कैमरा के साथ आपको पार्किंग सेंसर्स, सो लाउड इज़